गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टीजीटी पीजीटी की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो उनकी देखो डेट डिक्लेयर हो गई है और उन्हीं से जो आने वाले और एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी होप लगाई जा रही है कि आगे उन एग्ज़ामों के भी क्या है डेट जल्दी ही डिक्लेयर होगी। हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पर डला हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और हम आपको, क्योंकि हर एक जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हम नहीं डालते जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैलिड ना हो। सो अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड और कॉमर्स सब्जेक्ट्स की नेट पीजीटी केवीएस डीएसएसबी की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। सो देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये जो हमारे पीजीटी के निकले हुए थे 2595 और टीजीटी के निकले हुए थे 12603, उन पदों की जो है वो डेट डिक्लेयर हो गई है। एग्ज़ाम डेट ये कब 15 मार्च को फिल किए गए थे, इनकी डेट आई है टीजीटी वालों की 7 और 8 अगस्त और पीजीटी वालों की 17 और 18 अगस्त। तो इससे होप लगाई जा रही है कि भई एग्ज़ाम तो देखो स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं, तो इससे जो पीजीटी टीजीटी स्क्रीनिंग के लिए जो फॉर्म फिल करवाए गए थे उनके लिए भी बेस्ट ऑफर है कि अब अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो गए हैं तो आपके एग्ज़ाम भी जल्द ही होंगे। और अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो ये देखो हमारी साइट है, यहाँ से आप जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 24 तारीख को आया हुआ था, इसको आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा विभाग चयन बोर्ड, अगर आप यूपी सेकेंडरी एजुकेशन लिखते हो तो अपने आप ही ये ओपन हो जाता है और आप वहाँ से अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करोगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे जाएगा। आई होप आपके लिए ये वैल्यूएबल होगी और जो हमारे स्क्रीनिंग के स्टूडेंट्स हैं जो बार बार स्क्रीनिंग के लिए पूछ रहे हैं उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण आई है कि भाई हाँ एग्ज़ाम होने टीचर्स के भी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ ने तो यूपी के भी मतलब भी बहुत सारे हैं हमारे जिन्होंने फिल किया हुआ था तो उनका तो एग्ज़ाम डेट ही डिक्लेयर हो गई है। तो आई होप अब आप अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइएगा और उम्मीद है कि आप अपना टेस्ट जरूर क्लियर कर लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया टेस्टों की तैयारी करते करते, आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी हो गई है। सो थैंक यू फॉर watching this video and please subscribe my channels. Thank you.